अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है। ये सीवरेज की पाइपलाइन है, पहले तो ये फिल हुआ है सारा, इसका लेवल हुआ है, ये लेवल की है सारा नीचे, ये देखिए सारा लेवल पहले ये सेट किया है, तो टोटल जो है ना इसकी फिटिंग पहले ये कि ये इसके ऊपर लेवल हुआ है, फिर फिटिंग हमारी ऊपर हुई है। UPVC साफ अलहदा है पानी और गटर वाला पानी अलग है। ये सारा मैं चेक करवाता हूँ। अभी ये मेन होल है, ये बड़े होंगे खुले करने, हमने आज इसके ऊपर लेवल निकाल लिया सारा कंप्लीट, बारिश का पानी सेप्टिक टैंक में डाला हुआ है, गटर में डाला हुआ है, ये ऊपर वाला वॉशरूम है, ये नीचे वाला किचन है, इसकी और इसके जॉइंट एक ही है और सीधा साफ पानी लेता, ये बारिश का पानी गटर में डाला हुआ है, ये किचन का नीचे वाले किचन का वो ब्लैक कलर हुआ है ना, इसको काट कर दोबारा रिकैप जोड़ फिर लगाया था ऊपर करने के लिए। 6 इंच का पाइप है, 2 लाइनें डाली हुई हैं, इसके अंदर स्पेस होगी, थोड़ी सी स्पेस रखनी है जब डालेंगे। ये गंदा पानी है और ये साफ है, ये बारिश का पानी है। देखिए काम कंप्लीट, ये वाइटी लगाई 6-4 की, ये ऊपर वाला बारिश का पानी है सारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर काम हुआ है, पानी चल रहा है बिल्डिंग के अंदर। मैं चेक करवाता हूँ, तकरीबन 5 दिन हो गए पानी स्टार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई लीक कोई कमी बेशी नहीं है, काफी तेज प्रेशर है। अभी ये भी काट के इधर से, ये बड़े होंगे इधर से काटा जाएगा, वो वाली दीवार बाहर वाली निकल जाएगी, निकलेगी तो फिर ये बड़ा मेन होल बनेगा। ये इस वॉशरूम का पानी है, साफ पानी, ये बाहर चला गया गटर के अंदर से। वैसे तो टर्न इधर से टर्न लेके बाहर भी जा सकता था, 2:45 लगे और बाहर भी चला जाता था, इसमें कोई मसला नहीं है, इसके अंदर से भी चला जाएगा कोई मसला नहीं है। ये अभी सेप्टिक टैंक ऊपर होगा, तकरीबन 3 रद्दे इसके ऊपर लगेंगे और फिर ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर वाली पाइपलाइन। अभी इसको भी इसके अंदर डालना है, साफ पानी बारिश का भी पानी इसके अंदर ही फेंकना है, गटर के अंदर ही बारिश का पानी डालना है। उसकी वजह ये है, जल्दी सफाई हो जाएगी जब प्रेशर से पानी बारिश का ऊपर से आएगा, वो भी एक जो है ना गटर के अंदर और एक साफ पानी बाहर। Thank you.
ये इसको टक लगाए हैं काट के, ताकि इस दीवार वॉशरूम इसके अंदर वो दीवार नहीं लगेगी ऐसे, इससे ये नीचे होगा, ये इस तरह काम करेगा, इसके अंदर दीवार ना भी लगे तो कोई इशू नहीं।